हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो करेक्ट, आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड के ऊपर। जो थायराइड बीमारी होती है उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को थायराइड की बीमारी होती है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें खुद ही थायराइड की बीमारी है और थायराइड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थायराइड क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। पहले इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग देखिए आज के वीडियो में बने रहिएगा और जानिएगा कि थायराइड क्या है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और आप वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये भी मैंने किसी फ्रेंड्स के कहने से ही आज बनाया है, तो आई होप कि वो भी ये वीडियो देख रही होंगी। तो चलिए जानते हैं थायराइड क्या है और ये कैसे हो जाता है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि जिनको थायराइड है वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं, तो डॉक्टर शायद उनको इतना डीपली नहीं बताते हैं कि थायराइड क्या है। वो सिर्फ रिपोर्ट देखते हैं और आपको दवा दे देते हैं, लेकिन जो हम लोग थायराइड के बारे में डीपली बातें करेंगे तो वो आज के वीडियो में करेंगे। तो आप लोग बने रहना वीडियो में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप अपने आसपास थायराइड का नाम बहुत सुनते होंगे। थायराइड एक आम बीमारी बन चुकी है, इसके बावजूद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोग दवा तो खा रहे हैं थायराइड की, बट इसकी वजह क्या है ये नहीं जानते हैं। और जिनको ये बीमारी नहीं है उनके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल घूमते रहते हैं कि कहीं उन्हें भी तो ये बीमारी नहीं है, और अगर है तो कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये बीमारी है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो अगर आप ही थायराइड की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे ही वीडियो पर हैं। चलिए जल्दी से जानते हैं कि थायराइड क्या है और क्यों होती है। हम सब के पास एक गर्दन है और इस गर्दन के बीच वाले हिस्से में होती है एक छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज़, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और छोटा सा दिखने वाला थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में होने वाले पाचन का ध्यान रखता है, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। और इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी होता है। हमारे शरीर में खाना कितना पचना चाहिए और कितनी तेज़ी से होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना वसा होना चाहिए, कितना मसल होना चाहिए, सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है। क्योंकि हमारे इतने ज़रूरी कामों का ध्यान रखता है तो इसका असर हमारे सभी अंगों पर पड़ता है, जैसे लीवर, किडनी, दिल और यहाँ तक कि दिमाग पर भी। तो अपने सभी तरह के कामों को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड ही दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला है थायरोक्सिन, जिसे T4 भी कहते हैं, और दूसरा है ट्राइडोथायरेमिक्सिन, जिसे T3 भी कहते हैं। और अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पर इन हार्मोन्स का नाम देखा होगा, T3 और T4। T3 और T4 के द्वारा थायराइड ग्लैंड हमारे सेल्स को मैसेज भेजता है और उन्हें कब ऑक्सीजन देना है, न्यूट्रिएंट्स लेने की कब ज़रूरत है और कब नहीं। ये हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ी से पाचन करने लगता है। और अगर हमारे शरीर में एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो ये हार्मोन्स रिलीज कम कर देता है। थायराइड एक मैनेजर की तरह है, जो हमारे कर्मचारियों को यहाँ वहाँ भेज कर सारे काम करवाता है और हमारे शरीर के पाचन और एनर्जी को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी हमारा ये थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता है और अपने हार्मोन्स को सही मात्रा में रिलीज़ नहीं करता है। इसी की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आम भाषा में जिसे थायराइड की बीमारी बोलते हैं। थायराइड की दिक्कत आपको दो तरह से हो सकती है, या तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है और या फिर बहुत कम हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसे हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, और जब वह कम हार्मोन्स रिलीज़ करता है तो उसे हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत कम हार्मोन्स बनता है, जिससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो उन लोगों का वजन बढ़ना, ज़्यादा थकान रहना, ठंड रखना, जोड़ों का सूज जाना, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन आना और लड़कियों को पीरियड्स की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और ये थायराइड की जो बीमारी है मोस्टली लेडीज़ में ही ज़्यादा पाई जाती है, अभी तक मतलब देखा गया लेडीज़ में ही ज़्यादातर पाई जाती है।
और दूसरी तरफ हाइपरथायरायडिज्म वो कंडीशन है जिसमें ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसके कारण धड़कन का बढ़ जाना और भूख लगना, वजन का घटना, ज़्यादा गर्मी लगना जैसी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपने देखा इसके लक्षण उल्टे भी हो सकते हैं, किसी में कोई लक्षण होते हैं, किसी में जस्ट उल्टे लक्षण होते हैं। किसी का वजन बहुत बढ़ जाता है, किसी का वजन बहुत घट जाता है, फिर वो इंसान कुछ भी खाता है वो मोटा ही नहीं होता है। किसी को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो किसी को एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आपको खुद में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपको थायराइड है या नहीं, या कौन सा थायराइड है, यह आपकी खून की जांच के बाद ही पता चलता है। अगर आपके खून में T4 और T3 की मात्रा ज़्यादा है तो आपको हाइपरथायरायडिज्म है, और अगर इन हार्मोन्स की मात्रा खून में कम है तो आपको हाइपोथायरायडिज्म है। आपके थायराइड ग्लैंड के सही से काम ना करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे खाने में आयोडीन की कमी होना या आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। आपकी थायराइड ग्लैंड सही से काम ना करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे खाने में आयोडीन की कमी होना, खाने में कुछ ज़्यादा ही आयोडीन होना, किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी आपका थायराइड ग्लैंड ख़राब हो सकता है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रीज़न है जिसके अभी कोई मतलब डॉक्टर वाली पुष्टि तो नहीं हुई है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपकी थायराइड ग्लैंड ख़राब हो जाती है। तो यही सब रीज़न है। और थायराइड क्या है ये मैंने आपको इस वीडियो में बनाया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या है और ये कैसे वर्क करती है और कैसे ये ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी अपनी मधुबुरी एल1 मधु ब्लॉगर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।